हेलो दोस्तों, एसेटिक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे लेकर के आया हूँ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम दो पार्ट में देखेंगे। अभी तक में जो भी एग्ज़ाम में जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे शिफ्ट में, तो सारा जीएस का सारा क्वेश्चन आपको यहीं पे दो वीडियो में केवल मिल जाएगा। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है या जो करके आए हैं, तो वो अपना चेक कर सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया। बाकी अभी तो 3 से फिर से स्टार्ट हो रहा है, पहला फेज अभी चल रहा है, तो 28, 29, 30 हो चुका है और 3 से 11 तक अभी फिर होने हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है पहले फेज में, इसके अलावा आने वाले फेज में, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें क्या पढ़ के जाना है। तो अगर जिनका 3 को है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है एग्जैक्ट। तो आने वाले सारे जीएस के क्वेश्चंस इसमें जो जो पूछा हुआ है इन 3 दिनों में सारे शिफ्ट में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए, हमारी एकेडमी से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, अगर आपके पास 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का भी समय है, तो हम आपको क्वेश्चन बेस्ड, यानी कि डायरेक्ट कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे सॉल्व कराएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, तो आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन घर बैठ करके ही तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और जानकारी देनी थी, हमारे एकेडमी ने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है, एसेटिक एकेडमी, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको उसमें कई सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे। साथ में आपको अभी एक फ्री में आपको रीजनिंग का बैच दिया जाएगा, तो आप घर बैठ करके फ्री में रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको उसमें बहुत चीज़ें मिलेंगी, तो आप तुरंत इसको डाउनलोड कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1 से 2, बायोलॉजी का साइंस में सबसे ज़्यादा, बायोलॉजी में 3-4, फिजिक्स में 2 से 3, कंप्यूटर में 4 क्वेश्चन, पॉलिटी में 1 से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके में 8 से 9 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा 11 से 12। तो याद रखना है आपको, करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद हिस्ट्री, फिर साइंस वगैरह में। ठीक, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, इसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक, अब वही चीज़ है फिर से। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश में होंगे, बाकी मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। ठीक, तो आप जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी आसानी होगी, जो हिंदी मीडियम है उनको भी, तो आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में अच्छे से हो जाए, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर होंगे। चलिए देखते हैं। पहला है कॉस्मोलॉजी। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टडी से रिलेटेड है, पूछता है नहीं कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, या ब्रांच पूछता है कि किस ब्रांच में इसको पढ़ते हैं, साइंस के किस ब्रांच में। तो कॉस्मोलॉजी जो है वो रिलेटेड है स्टडी ऑफ आउटर स्पेस, यानी बाह्य अंतरिक्ष के अध्ययन। तो जो बाह्य अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन इससे पक्का पूछता है स्टडी से, तो आपको ये पढ़ के जाना है कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक, तो पहला ये कॉस्मोलॉजी। पेटीएम का सीईओ पूछ रहा है, तो पेटीएम का सीईओ विजय शेखर शर्मा। सीईओ हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है सीईओ का, कोई ना कोई सीईओ को पूछा है, अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पेटीएम का सीईओ पूछा विजय शेखर शर्मा। देखिए, पेटीएम जो है इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, ये भी याद रख के जाना है। बाकी सीईओ के नाम आपको सारे पढ़ के जाने हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क तो पूछता ही है, इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, पढ़ के जाना है। बाकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछता रहता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, ये बार बार जो रिपीट किया जाता है। तो साइलेंट वैली जो पार्क है वो केरला में है, ये आपको याद रखना है, केरला में है ये जो साइलेंट वैली है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये भी आपको पता ही है, साइंस का क्वेश्चन है। तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है, सॉरी, इन विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब
42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में हुआ था, ये सबको पता है। इस संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन को, मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन बार बार 42वां संविधान संशोधन आपसे बार बार पूछता है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आपको पॉलिटी वगैरह के वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है G20 समिट। तो ये एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, बड़ा इंपॉर्टेंट समिट, आपको सारे याद करके जाने हैं, आप समझ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप एक एक दो दो बार केवल देख लीजिए, समिट देख लीजिए, स्टडी देख लीजिए, CEO के नाम देख लीजिए, नेशनल पार्क देख लीजिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर पक्का दे के जाएंगे। तो G20 समिट जो होगा 2020 में, आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हुआ, तो ये सऊदी अरबिया में हुआ। एक एवरेज स्टूडेंट को इसका आंसर पता रहा होगा। इसके अलावा और अगर आपसे पूछ सकता है कि पहली समिट कब हुई थी, तो 2008 में हुआ था अमेरिका में। तो पहली समिट 2008 में अमेरिका में हुआ था। ये जो समिट हुई ये आपकी 15th थी, ठीक, तो ये 15वीं समिट थी, रियाद शहर में हुई थी, सऊदी अरेबिया की रियाद शहर में, कैपिटल में। उसके बाद 16वीं की बात करेगा, अगर 16th पूछ ले यानी 2021 का पूछ ले तो याद रखना इटली में होगा 2021 का समिट। 2022 का पूछ ले तो वो होगा आपका इंडोनेशिया में। सबसे इम्पोर्टेंट जो अब एग्जाम में पक्का पूछेगा किसी एक शिफ्ट में, पूछेगा 2023 का समिट कहाँ होगा, तो जो 2023 में 18वीं इसकी समिट होगी वो इंडिया में होगी। पहले 22 में फिक्स हुआ था लेकिन अब 23 में हो गया, तो 23 की जो समिट है वो इंडिया में होगा, G20 समिट, ये आपको याद रखना। पहली बार भारत में G20 समिट होगी 2023 में। अगला देखिए, सॉरी, अगला आपसे है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी से रिलेटेड पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 19 अप्रैल लिख उठा है, मिस प्रिंट हुआ है, 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। आपको पता ही है जनरल डायर जो थे, ब्रिटिश आर्मी के जनरल डायर थे, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, हजारों निहत्थे लोग मारे गए थे इसमें। ये किस पर्व पे मनाया जा रहा था, किस, कौन सा फेस्टिवल था उस दिन, आपसे ये भी पूछ सकता है, तो याद रखना बैसाखी था। तो बैसाखी पिलग्रिम्स यानी जो बैसाखी त्योहार पे लोग इकट्ठा हुए थे, वो एक मीटिंग कर रहे थे, उसी समय रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसी उसी से रिकॉर्डिंग। और दो नेता थे इनके, एक सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था, तो इसके विरोध में यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, तो जनरल डायर ने इनको गोली चलाने का आदेश दिया था। तो एक आपका ये हिस्ट्री से क्वेश्चन निकल के आया, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा है मोपला रिवोल्ट, मोपला लिखा हुआ है, ठीक, समझ लीजिए मोपला रिवोल्ट, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। मोपला रिवोल्ट जो हुआ था केरला में हुआ था, समय पूछ ले तो 1921 में हुआ था। ये इतना फेमस क्यों है, ये फेमस इसलिए है कि मालाबार तट केरला में हुआ था, ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसका सपोर्ट गांधी जी ने किया था। केवल गांधी जी ही नहीं, उस समय खिलाफत मूवमेंट देश में चलाया जा रहा था, तो खिलाफत मूवमेंट के लोगों ने जाके, वहाँ खिलाफत मूवमेंट के जितने भी लीडर थे वो केरला जाके उनका सपोर्ट किया था, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद साइंस से अगला क्वेश्चन है D2O, आपका जो है D2O वो हैवी वाटर किस काम में यूज किया जाता है, या आपसे यही पूछ सकता है हैवी वाटर किसको कहते हैं, तो D2O को कहते हैं। अब देखिए वाटर जो होता है वो होता है H2O, और जो D2O होता है हैवी वाटर होता है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें मंदक का काम करते हैं, उसको स्लो करने का, धीरे शांत करने का काम करते हैं, तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को, तो D2O उसमें काम आता है, ठीक, याद रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन था MP गवर्नर से रिगार्डिंग, तो जैसे पूछ ले कि MP गवर्नर कौन थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, वानी गवर्नर ही थे उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो लालजी टंडन थे, अभी कुछ समय पहले ही उनका डेथ हुआ। अगर अभी प्रेजेंट गवर्नर की बात करें तो प्रेजेंट गवर्नर जो है यूपी की, जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया है वहाँ का MP का, तो उनको अतिरिक्त प्रभार बोलते हैं उसको दिया गया है, तो वो यूपी की भी हैं और उनको अब MP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जब तक कि वहाँ पे कोई परमानेंट नहीं आ जाता। अगर CM का नाम पूछ ले तो शिवराज सिंह चौहान, और राजधानी पूछ ले, कैपिटल पूछ ले, तो मध्य प्रदेश, याद रखना। पूछ रहा है द लेयर ऑफ सन विजिबल, जो लेयर सन का जो लेयर होता है जो हमको यहाँ से दिखाई देता है दृश्य,
वो तो आपसे पूछ रहा है तो वो होता है फोटो स्फीयर। इसके अलावा कई सारे लेयर होते हैं। अगर जैसे सबसे मध्य भाग पूछ ले सूरज का, तो वो कोर होता है। कोर होता है अर्थ में भी, आपको पता है कोर होता है, तो सबसे जो सेंट्रल का पार्ट होता है उसको कोर कहते हैं। उसके बाद क्रोमोस्फेयर होता है, जो क्रोमोस्फेयर भी होता है फोटोस्फेयर से ऊपर, लेकिन दृश्य भाग यही होता है फोटोस्फेयर। और इसका जो सबसे बाहरी परत होती है जो ऊष्मा को फेंकती है उसको कोरोना बोलते हैं। तो आपको तो कोरोना नाम से बहुत ही अच्छे से परिचित हो गए होंगे, तो ये सब आपको याद रखना है। कोरोना भी इसका सबसे बाहरी परत होता है जो ऊष्मा फेंकता है। कोरोना मान लीजिए सन है, तो इसके बाहर का जो पार्ट होता है वो कोरोना होता है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। साइंस का ये भी क्वेश्चन हो गया। आपसे बैटल ऑफ प्लासी पूछेगा, 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून को। ये आपको पता है 23 जून 1757 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। अंग्रेजों के द्वारा आप ऐसा बोल सकते हो कि पहली लड़ाई थी जो उन्होंने इंडिया में जीती थी, और एक तरह से भारत में प्रवेश की एक तरह से उनको चाबी मिल गई थी ये युद्ध जीतने के बाद। तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो हुआ था नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे, उनके और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, और नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो आपके बंगाल के नवाब थे, और इनका सपोर्ट किया था फ्रेंच आर्मी ने। तो ये भी याद रखना, जैसे पूछ ले कि किन्होंने सपोर्ट किया था, तो फ्रांस की आर्मी ने इनका सपोर्ट किया था। फ्रांस की आर्मी के साथ में आपसे ऑप्शन में पुर्तगीज वगैरह डच वगैरह दे सकते हैं, तो ये सब याद रखना कि फ्रांस ने नवाब सिराजुद्दौला का समर्थन किया था। उसके बाद एक यूएनडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो यूएनडीपी का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। याद रखना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है, तो ये भी आपको याद रख के जाना है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो कुछ भी पूछा होगा तो आप उसको बता सकते हैं। इसके बाद साइंस से फिर क्वेश्चन है विटामिन डी, तो विटामिन जरूर याद करके जाना, एक क्वेश्चन इसका पूरा चांस रहता है पूछने का। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग पूछा है, डिफिशेंसी डिजीज पूछ लिया विटामिन डी से। इस जो इसकी कमी से रोग होते हैं रिकेट्स होते हैं, सूखा रोग होता है, आपको पता ही बच्चों में होता है सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से जितने भी रोग होते हैं हड्डियों से संबंधित होते हैं, तो ये याद रखना हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, क्योंकि सूखा रोग हो जाता है रिकेट्स बच्चों में। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सनलाइट, ये तो पता ही होगा, बहुत बार पूछा हुआ है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हिस्ट्री पूछ रहा है, नेशनल इनकम वाज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहली बार किसने की थी। तो आपको पता है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने एक बुक लिखी थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का नाम है, ये जरूर पूछ सकता है। उसके बाद एक और रस्ट गुप्तार नाम का एक न्यूज़पेपर भी इन्होंने लॉन्च किया था, जो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति, तो ये भी आपको याद रखना है। टाइटल भी पूछते हैं लोग, टाइटल भी एग्जाम में आता है, और इसमें भी आपको मिलेगा भी टाइटल, तो ये सारे क्वेश्चन याद करके जाने हैं। इसके बाद पूछ रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में हुई थी। देखिए इस पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने और सी आर दास ने, तो दोनों ने मिलकर की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है अभी भी, इसके संस्थापक का नाम पूछेगा, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। और ये जो स्थापना की गई थी, आपको पता होगा कि 1922 में फरवरी में गांधी जी ने चौरी चौरा एक कांड हो गया था 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1920 में, तो उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो उसके विरोध में क्या किया था, मोतीलाल नेहरू को ऐसा लगता था कि इसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसके खिलाफ और एक तरह से चुनाव में हिस्सा लेने के लिए 1923 में मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी का गठन किया था सी आर दास के साथ मिलकर के, तो ये याद रखना। भरतपुर बर्ड सेंचुरी पूछ रहा है, वही नेशनल पार्क से रिलेटेड है, तो ये राजस्थान में है, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना, तो इस टाइप के क्वेश्चन याद करके जाना है। ब्रेन का आउटर लेयर पूछ रहा है, ड्यूरा मैटर होता है, इस ये साइंस का हो गया आपका, बायो से रिलेटेड, तो ये भी याद रखने जाना है। ये देखिए सीओ का फिर से क्वेश्चन पूछा, नोकिया का सीओ पूछ लिया,
तो नोकिया के सीईओ जो हैं वो हैं पेक्का लुंडमार्क हैं इस समय नोकिया के सीईओ। अभी इनके अपॉइंटमेंट हाल ही में हुआ था तो इसीलिए इसको और ज़्यादा पूछ लिया। अभी 2020 में ही अपॉइंट किए गए हैं नोकिया के नए सीईओ। अब नोकिया की बात करें तो नोकिया की स्थापना हुई थी कंपनी की 1865 में, 1865 में ये कंपनी बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड में आपको मिलेगा। ठीक, तो याद रखना फिनलैंड, साउथ कोरिया जापान मत लगा के, है ना, फिनलैंड की ये कंपनी है। इसके बाद गुजरात का सीएम का नाम पूछ लिया, तो यानी आपको ये चीज़ देख के आपको मिल रहा है कि सीएम और गवर्नर के नाम आपको हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो याद रखना सीएम आप गुजरात कौन है, विजय रूपानी है। गवर्नर की बात कर दे तो आचार्य देवव्रत हैं। तो गवर्नर आपको सारे याद करके जाने हैं, कैपिटल भी आपको सारी याद करके जानी है। गुजरात की कैपिटल है गांधी नगर। बार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बार्क, तो बार्क जो होता है, बार्क का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब बार्क शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये मिलेगा ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे यानी कहाँ मिलेगा, मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, टू विच फ्रीडम फाइटर देश बंधु टाइटल। तो ये टाइटल से रिलेटेड आ गया, उपनाम या जो उपाधि होती है। पूछता है कि देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी, तो सी आर दास को, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू के साथ। तो चितरंजन दास को ये टाइटल दिया गया था देश बंधु का। ठीक, तो टाइटल बहुत सारे हैं, सारे याद करके जाने हैं। अगर देखिए आपको कोई चीज़ ना मिले, कोई भी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है ईमानदारी से, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, कोई टॉपिक नहीं मिलता, तो आप कमेंट में जाके कमेंट करिएगा। हम तुरंत उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का वीडियो तुरंत आपके लिए डालेंगे। तो आप कोई भी, जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत होगी तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है। शारदा एक्ट आपसे पूछ रहा है, पूछेगा शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है। तो शारदा एक्ट है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम था। यानी जो चाइल्ड मैरिज होता था, बाल विवाह होता था, इसको रोकने के लिए 1929 में ये एक्ट लाया गया था, याद रखना। तो शारदा एक्ट इसी से रिलेटेड है, बाल विवाह से संबंधित है। और ये इसमें एज की गई थी, एज भी पूछ सकता है, जो लड़के हैं बॉय हैं उनकी मिनिमम एज 18 की गई थी और जो गर्ल थी उनकी मिनिमम एज 14 की गई थी। मतलब इससे पहले शादी नहीं की जा सकती, लड़का 18 साल का होना चाहिए, लड़की 14, जिसको बाद में आगे संशोधित करके लड़के का 21 कर दिया गया, लड़की का 18 कर दिया गया। तो ये याद रखना, शारदा एक्ट में एज भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा 1929 में ही सती प्रथा को खत्म किया गया था, ये भी पूछ सकता है, सॉरी 1829 में खत्म किया गया था, 1829 में सती प्रथा को खत्म किया गया था, ये पूछ ले याद रखना। इसके अलावा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, विडो रिमैरिज एक्ट, ये पूछ ले तो ये याद रखना। रामसर साइट की बात कर रहा है, तो देखिए रामसर साइट किससे रिलेटेड होता है, पहले क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है। तो वेटलैंड से रिलेटेड होता है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि कहते हैं, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, तो ज़्यादातर झीलों को रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। तो इस समय इंडिया में 42 रामसर साइट हैं। ये ईरान लिखा हुआ, ईरान गलत होगा, इंडिया होगा, बल्कि ईरान। इससे रिलेटेड आपसे पूछेगा कि जो रामसर है, देखिए रामसर साइट, तो रामसर जो है वो एक जगह का नाम है, ईरान, ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे हुआ था रामसर कन्वेंशन 1971 में, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स हैं, इनको हम घोषित करेंगे, तो उनको संरक्षित करेंगे, उनको सुरक्षित करेंगे। तो इस समय इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं, ये याद रखना। व्हाट इज उबंटू, तो उबंटू जो है वो कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन हो गया, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो उबंटू टाइप, इसी टाइप का बहुत सारे ऐप्स हो गए या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से पूछेगा, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। अगला देखते हैं, पूछा कि COVID-19 का वैक्सीन सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया, कब सबसे पहले कहाँ बनाया गया, तो रसिया में बनाया गया। तो उस वैक्सीन का नाम स्पूतनिक है, स्पूतनिक याद करके जाना है, रसिया तो आपको पता होगा, स्पूतनिक उस वैक्सीन का नाम याद कर लेना। अब ये स्पूतनिक जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछ ले, ये साइंस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड, स्पेस साइंस से रिलेटेड, जैसे पूछ लो कि जो पूछ ले कि पहला अंतरिक्ष उपग्रह, पहला सैटेलाइट दुनिया का किस देश ने लॉन्च किया था, तो यूएसएसआर ने ही लॉन्च किया था, जो पहले रसिया था, मतलब अभी जो रसिया है, यूएसएसआर सोवियत संघ था, उसने लॉन्च किया था और उसका नाम स्पूतनिक फर्स्ट था। तो स्पूतनिक जो है वो आपको याद रखना है। ठीक, इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है
इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो आर्टिकल 324 पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगर अभी आपका इलेक्शन कमिश्नर पूछ ले अभी कौन है प्रेजेंट में, तो सुनील अरोड़ा। पहले का पूछ ले तो सुकुमार सेन, तो पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, अभी जो है वो है सुनील अरोड़ा। ये सारा क्वेश्चन याद करके जाना है। डेजर्ट का पूछ लिया, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, तो गोबी डेजर्ट आपका एशिया में मिलेगा। एशिया में कहाँ मिलेगा, चाइना और मंगोलिया में मिलेगा, चाइना और मंगोलिया। तो आपको याद करके जाना है इस टाइप के क्वेश्चन, जो डेजर्ट हो गए, फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए, माउंटेन हो गए, पीक्स हो गए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं। अब इंडिया में सबसे बड़ा, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है आपका रेगिस्तान, वो थार है, आपको पता ही होगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों मिलता है, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है, तो ये भी याद रखना है। सैडल पीक पूछ लिया, तो सैडल पीक जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटी है। तो सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा जैसे पूछ ले, भारत का एकमात्र एक्टिव वाल्केनो, एकमात्र जागृत सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो है आपका बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलेगा, वो भी अंडमान निकोबार में मिलेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको याद करके जाने हैं। अर्थ डे आपसे पूछ लिया कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो जो आपका अर्थ डे है वो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना है। 1970 स्टार्ट हुआ था, 1970 से। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे हैं, बहुत ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने देखा हुआ कि जो इम्पोर्टेंट डेज पूछा हुआ है उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेज ही पूछा हुआ है। और इसका टाइटल आपसे पूछ ले, तो टाइटल इसका होगा क्लाइमेट एक्शन, तो ये याद रखना है। टाइटल भी याद करके जाना है, या तो डे पूछेगा या तो उसका टाइटल पक्का। तो इस बार जो 2020 का हुआ था वो उसका टाइटल था क्लाइमेट एक्शन, ठीक, 1970 से स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट लिखा हुआ, स्टेशन होगा, इन विच टू स्टेशंस वंदे भारत एक्सप्रेस, तो वंदे भारत जो है किन दो स्टेशन के बीच चलाई गई है। तो पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी, अभी एक ट्रेन और आपको मिलेगी दिल्ली से कटरा के लिए, तो जो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाती है कटरा, तो दो ट्रेन इस समय चल रही है, ठीक, एक दिल्ली से वाराणसी, एक दिल्ली से कटरा, तो ये भी आपको याद रखना है दूसरी ट्रेन, क्योंकि आरआरबी है, रेलवे का क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछेगा, तो ये याद रखना है। पूछ रहा है सबरीमाला टेम्पल किस स्टेट में मिलेगा, तो सबरीमाला टेम्पल देख लीजिए आपको केरला में मिलेगा, बहुत ही फेमस है, न्यूज में बहुत छाया हुआ था क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा है इस मैटर में। इसमें जो महिलाएं होती हैं 14 से 50 की एज की, उनको इसमें प्रवेश पे इन पर इसमें एंट्री पे रोक लगी हुई थी, तो कई सारे लोग थे जो एंट्री लेना चाहते, तो इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में था। तो याद रखना केरला में है आपका सबरीमाला टेम्पल। बैटल ऑफ प्लासी पूछ लिया, वही क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया था, 23 जून 1757 नवाब सिराज उद्दौला फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। यंगेस्ट प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो है वो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये जब राष्ट्रपति बनाए गए थे तो 64 ईयर के थे। अभी प्रेजेंट का पूछेगा, तो प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद आपके भारत के राष्ट्रपति हैं, तो रामनाथ कोविंद हैं और वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखना, सीरियल इनका 14th प्रेसिडेंट, ठीक। इसके अलावा पूछ लिया कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, समुद्री तट किसका है सबसे लंबा, किस राज्य का, तो वो गुजरात का है, आपको पता ही है गुजरात का 1600 किलोमीटर लगभग लंबी कोस्ट लाइन आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर पूछ सकता है कितने भारतीय कितने कितने भारतीय राज्य कितने इंडियन स्टेट टच करते हैं समुद्री लाइन को, तो ये याद रखना है। जैसे एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया आपका, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, और आपका कर्नाटक हो गया, और तेलंगाना हो गया, और उसके ऊपर आप जाएंगे तो उड़ीसा हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, तो कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र को टच करते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कई बार कि कितने राज्य हैं जो सीमा जो समुद्री रेखा को टच करते हैं, तो 9 राज्य याद रखना। ज्ञानपीठ अवार्ड पूछ लिया, तो ये जरूरी याद करके जाने हैं वो अवार्ड आपको, तो अवार्ड आपको देख के जाने हैं सारे। अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन है, किसको अवार्ड मिला है 55th ज्ञानपीठ, तो अखितम अच्युतम नंबूदरी, अखितम अच्युतम नंबूदरी हैं,
और एक ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इनकी इस अनाउंसमेंट के बाद 15 अक्टूबर 2020 को उनकी डेथ भी हो गई थी। और ये अभी एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये किस भाषा के लेखक हैं, राइटर हैं। तो मलयालम, यानी केरला के हैं, केरला में ही मलयालम बोली जाती है। तो जो अखितम अच्युतम नंबूदरी हैं ये केरला के हैं। 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, ये भी याद रखना। उसके बाद पूछ रहा है कौन से बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से बैंक मर्ज किए गए। तो अभी कई सारे बैंक मर्ज किए गए हैं, तो सारा देख लेना। देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया, तो ये भी आपको याद रख के जाना है। यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछेगा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 से शुरू किया गया था, ये याद रखना। 2020 का जो हुआ था गुवाहाटी में हुआ था। और ये इसके बाद ये इम्पोर्टेंट बनेगा, पक्का पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में, कि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ खेले जाएंगे। तो ये खेला जाएगा हरियाणा में, हरियाणा में पंचकूला में अनाउंस किया गया है अभी कि पंचकूला में अगले यूथ गेम्स होंगे। ठीक, बंगाल कब डिवाइड हुआ, बंगाल का पार्टीशन कब किया गया, तो 1905 में किया गया। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो ये भी पूछेगा। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में चलाया गया था, याद रखना स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और इसी मुद्दे पे ही 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, मतलब जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, नरम दल और गरम दल। तो ये सारा कुछ याद रखना, मूवमेंट 1905 में बंगाल को बांटा गया था। सेकेंड बैटल आप पानीपत पूछ रहे हैं कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू का पूरा नाम पूछ ले तो हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का पूरा नाम था। पहला का पूछे तो 1526 में इसी युद्ध के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तीसरा पूछे तो 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था, ये मराठा के बीच में हुआ था और अफगानों के बीच में हुआ था। अहमद साहब दाली इंडिया आया था ना, तो उनके बीच में हुआ था। तो 1761 में अफगान और मराठा के बीच में हुआ था तीसरा पानीपत का युद्ध, तो ये याद रखना है। राजतरंगिणी का लेखक पूछ रहा है, तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्लड़। इसकी सब्जेक्ट पूछता है, राजतरंगिणी का भी पक्का एक शिफ्ट में पूछेगा कि इसका सब्जेक्ट क्या था। तो इसका सब्जेक्ट, इसमें कश्मीर की हिस्ट्री लिखी हुई है, तो कश्मीर का इतिहास आपको मिलेगा इस बुक में, राजतरंगिणी में। ठीक, तो ये याद रख के जाना है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यूआरएल का पूछ लिया, सीपीयू का पूछ सकता है, तो किसी भी चीज का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा हुआ है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू को। तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ सकता है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बैबेज ने। ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे अभी किसी न किसी शिफ्ट में, आप देख लेना। इसके बाद पूछ लिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यानी द्वी कुंडली संरचना जो होती है डीएनए की, उसकी खोज किसने की थी, क्रीक और वाटसन ने। ये अब आपको पता है, फ्रांसिस क्रीक और जेम्स वाटसन ने इसकी खोज की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है बार बार, तो ये आपको याद रखते जाना है। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे हुए हैं, और जिन्होंने प्रीवियस ईयर का पेपर सेट लगाया होगा तो उनके लिए तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन पेपर है। मतलब आप 40 में बोल सकते हो कि 35 आसानी से कर सकते हो। चिकनकारी पूछ रहा है कि ये क्या है, पहली बात तो यही पूछ लेगा कि चिकनकारी होता क्या है, ये पूछ लेगा। डिजाइन होता है या कोई पकवान का नाम है या कुछ भी। तो चिकनकारी जो होती है वो लखनऊ से संबंधित है, कपड़ों की एक डिजाइन को कहते हैं, कपड़ों पे की जाने वाली डिजाइन को कहते हैं चिकनकारी। ठीक, तो ये याद रखना। इसके अलावा मधुबनी बहुत बार पूछा हुआ है, तो मधुबनी भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछेगा पक्का पूछेगा मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी क्या है। तो मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, और वहाँ पे फेमस है एक पेंटिंग का टाइप है, तो जो कला का प्रकार है मधुबनी। ठीक, तो यह याद रखना। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आपसे पूछ लिया कौन सा है, तो NH44 नेशनल हाईवे 44 जो कि श्रीनगर से जोड़ता है आपके कन्याकुमारी को। तो ये भारत का सबसे लंबा हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया। सबसे छोटा पूछ ले तो NH47A है, NH47A है जिसकी लंबाई केवल लगभग 6 किलोमीटर से कम है। ये कोची पोर्ट से वेलिंगटन आइलैंड को जोड़ता है, कोची पोर्ट से वेलिंगटन आइलैंड को जोड़ता है, केरला में मिलेगा। तो NH47A सबसे छोटा है, NH44 सबसे बड़ा है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो अवार्ड आपका देखिए सब में पूछेगा, हर शिफ्ट में पूछेगा एक क्वेश्चन। तो जो अवार्ड दिया गया है 5 लोगों को दिया गया है, किसको किसको दिया गया है, रोहित शर्मा, इनका फील्ड पूछेगा क्रिकेट,
तो पूछेगा किस क्रिकेटर को दिया गया, रोहित शर्मा। एक चीज और याद रखना, रोहित शर्मा ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले चौथे भारतीय हैं। इसके पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को दिया जा चुका है और ये चौथे भारतीय हैं। रानी रामपाल पूछेगा, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं, तो रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं। विनेश फोगाट रेसलर हैं, पहलवान हैं। एम थंगावेल्लू एक पैरा ओलंपियन है, हाई जंपर, यानी हाई जंप करते हैं, पैरा ओलंपियन में गोल्ड मेडल इन्होंने पाया हुआ है, एम थंगावेल्लू। मनिका बत्रा दिल्ली के हैं और ये टेबल टेनिस खेलते हैं। तो ये याद रखना, इनका स्पोर्ट जरूर याद रखना। लाइम वाटर का फार्मूला पूछा है, केमिकल फार्मूला, देखिए CaOH2, तो ये याद रखना, साइंस का है। सेल की खोज किसने की, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक, क्लास 1-2 का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप जब साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको उसी में मिलेगा। सुरकेश्वर टेम्पल, ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का, थोड़ा सा कम सुना हुआ नाम है, असम का दे दिया। इसके बाद असम में एक और फेमस है, गुवाहाटी के पास में है, एक और है असम का फेमस कामाख्या टेम्पल, पक्का पूछेगा, याद करके जाना। और भी टेम्पल्स याद कर लेना, जैसे सबरीमाला पूछ लिया, सुरकेश्वर, तो टेम्पल्स पूछ रहा है, यानी आप बोल सकते हो टूरिस्ट प्लेस पूछ रहा है। पीर पंजाल टनल, अटल जी टनल तो इसको नहीं कहते, अटल जी टनल नाम रखा गया है रोहतांग टनल का। पीर पंजाल टनल आपको पूछेगा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। ये जो है 11 किलोमीटर लंबी रेलवे टनल है, तो ये ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल है 11 किलोमीटर का, पीर पंजाल टनल, ठीक। और जो दूसरा था रोहतांग टनल, उसका नाम बदल के किया गया अटल जी टनल, वो भारत की सबसे लंबी सड़क यानी रोड टनल है, सड़क सुरंग है, तो 9 किलोमीटर का है और वो है हिमाचल प्रदेश में। लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर रिवर नहीं होगा, लेक होगा, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वर्ल्ड की लेक सुपीरियर है यूएसए में। तो अगर आपसे पूछे फ्रेश वाटर लेक तो सुपीरियर, इसके अलावा क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है, सबसे बड़ा झील, केवल सबसे बड़ी झील की बात करेगा तो कैस्पियन सी हो गया, खारे पानी की झील पूछेगा तो उसका भी वही होगा कैस्पियन सी, सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी झील तो टिकीकाका झील, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। अर्थ डे पूछा, अर्थ डे जो है आपका उसका थीम पूछ लिया कि अर्थ डे का थीम क्या है, तो अर्थ डे का थीम आपका है क्लाइमेट एक्शन, ये भी आपको मैंने पीछे बताया ही था, अर्थ डे से रिलेटेड क्वेश्चन। जीएसटी टैक्स कैसा होता है, तो जीएसटी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, पूछ लेगा डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कब से स्टार्ट किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट किया गया था। प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल पूछा, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 52 से 62 के बीच में आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड मिलेगा। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर भी आपको याद करके जाने हैं। हेडक्वार्टर आपको ICC का हेडक्वार्टर पूछा, दुबई में मिलेगा। अब देखिए दुबई, UAE, जबकि उनकी कोई बड़ी क्रिकेट टीम नहीं, फिर भी आपको हेडक्वार्टर UAE में मिलेगा, याद रखना। और आपसे पूछ सकता है CEO कौन है, तो इस सॉरी चेयरमैन पूछेगा ICC का, तो ICC के चेयरमैन अभी नया अपॉइंट हुए हैं, पक्का आएगा क्वेश्चन, ग्रेग बार्कले हैं, याद रखना। और CEO पूछ ले तो मनु साहनी है, इंडियन है इसलिए पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, IPL का विनर पूछ लिया 2020 का, तो मुंबई इंडियंस है। पूछेगा इस बार का IPL कहाँ हुआ था, तो UAE में ही हुआ था, जहाँ पे आपको इनका हेडक्वार्टर मिलेगा वहाँ पे हुआ था। तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के एक बार फिर से खिताब जीता और सबसे सक्सेसफुल टीम हो गई। सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, UNO का, तो देखिए UNO का जो हेड आप सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस वो हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो न्यूयॉर्क है, ये भी आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, अभी जापान में नए प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो आबे थे वो रिटायर्ड हो गए, तो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं योशीहिदे सुगा, इनका नाम याद करके जाना है। इसके अलावा आपको अमेरिका चुनाव में भी फेरबदल हुआ, अमेरिका चुनाव में भी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं अमेरिका में भी, उनका नाम आपको याद करके जाना है। आपको इसके अलावा जितने भी पूरे वर्ल्ड में नए नए लीडर अपॉइंट हुए हैं उन सब के नाम आपको पढ़ के जाने हैं, वो चाहे किस भी देश के हों, श्रीलंका, पाकिस्तान, इजराइल, तो सब सारे देशों का, ठीक। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा है, INC, तो INC का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब बनाया गया था, 27 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। अब पूछेगा किसने स्थापना की थी, तो ए वो ह्यूम ने स्थापना की थी, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने।
पहले आपसे पूछेगा, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ब्योमेश चंद बनर्जी। तो ये सब नाम आपको याद करके जाने हैं। पहले महिला चेयरमैन, पहली महिला प्रेसिडेंट पूछेगा तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट पूछे तो सरोजनी नायडू, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है भूटान की कैपिटल, तो भूटान की कैपिटल जो है वो थिम्पू है। करेंसी पूछेगा तो नगुल ट्रम भूटान की करेंसी है, इंडियन रुपया भी चलता है, याद रखना। ठीक, इसके बाद अगला है क्लीनेस्ट सिटी, सबसे साफ सुथरा शहर भारत का, तो इंदौर है एमपी का, लगातार हर बार यही चुना जाता है, तो ये याद रखना, भारत का सबसे साफ साफ शहर इंदौर है। ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटेड है? तो देखिए, ऑपरेशन ग्रीन अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन अलग होता है, ऑपरेशन ग्रीन अलग होता है, याद रखना। ऑनियन टोमेटो पोटैटो, इनको संतुलित रखने के लिए, इनका रेट संतुलित रखने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया है, प्याज टमाटर आलू इन सब के दाम को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि इनके दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिक डांस पूछा कुचिपुड़ी, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जितने भी क्लासिक डांस हैं, ओडिसी हो गया, भरतनाट्यम या कोई भी, आपका जितना भी क्लासिक डांस हो गया सब आपको याद करके जाने हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 से हुई थी। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपसे पूछेगा भारत रत्न। उसके बाद जो सबसे पहला दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और सी वी रमन, इन तीनों को 1954 में दिया गया था। अभी हाल ही में जो दिया गया था वो दिया गया था आपका, जो लास्ट में तीन लोगों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था और आपके असमिया सिंगर भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था, महाराष्ट्र के सोशल वर्कर, तो इनको दिया गया था भारत में। तो याद रखना है, चौक पाउडर किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को चौक पाउडर के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंट डे पूछेगा, 5 जून को मनाया गया इन्वायरमेंट डे, कब से स्टार्ट हुआ? 1974 से। इसका टाइटल आपसे थीम पूछेगा, तो टाइम फॉर नेचर इसका इस बार का थीम था 1920 का, ठीक, जो सॉरी 2020 का जो थीम था वो था टाइम फॉर नेचर, ये याद रखना। ये योजना पूछ रहा है कि कब स्टार्ट हुआ था, तो एक योजना पूछा है स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ, 2015 में, ऐसे 2014 में, इसके अलावा भी कई सारे स्कीम्स पूछा है कब स्टार्ट किए गए, तो ये याद करके जाना है। ठीक, वही न्यूक्लियस का फिर से पूछा है, तो आपने देख लिया है। त्रिपुरा की कैपिटल पूछ रहा है, तो देखिए जो सेवन सिस्टर्स हैं, सेवन सिस्टर्स प्लस वन सिक्किम, आठ राज्य के कैपिटल पूछा है, मतलब हर शिफ्ट में एक कैपिटल और गवर्नर या सीएम, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, और ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के ही कैपिटल पूछा है। तो अगर त्रिपुरा का जो पूछा है वो है आपका अगरतला, अगर गवर्नर पूछे तो रमेश बैस, याद करके जाना है, पक्का पूछेगा, और सीएम का नाम बिप्लो कुमार देव, तो किसी शिफ्ट में ये पक्का आएगा, याद करके जाना। इसके बाद राजकुमार श्रीवास्तव पूछ रहा है कि किस देश में अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, राजदूत अपॉइंट किए गए हैं, तो क्रोएशिया, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर्स का, तो इसको याद करके जाने हैं। भांगड़ा डांस, जैसे अभी एक डांस था और आपका क्लासिकल डांस, ये फोक डांस है, तो कहाँ का है? पंजाब का है, तो डांस वगैरह सारे पढ़ के जाने हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, किसने इस थ्योरी को खोजा? तो फैराडे ने खोजा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद करके जाना है। तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है साइंस का। साइकिल के रेसिंग ट्रैक को क्या कहते हैं? ये स्पोर्ट्स का आ गया, यानी जो फील्ड होते हैं उसके नाम पूछता है, तो वेलोड्रम कहते हैं जो साइकिल का रेसिंग ट्रैक होता है। इसके अलावा रेसलिंग का हो गया, मुक्केबाजी का हो गया, और क्रिकेट का हो गया, फुटबॉल का हो गया, इनके पिच के नाम आपसे पूछ सकते हैं। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020, ये तो T20 था, 2020 में आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 हुआ था, उसका पूछ रहा है, तो ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में ही, और इसकी विनर थे ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता था। अगर वनडे का पूछ ले आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे, तो 2017 में हुआ था लास्ट इंग्लैंड में, और उसमें इंग्लैंड जीती थी, उसमें भी इंडिया को हराया था इंग्लैंड ने। अब अगर पूछ ले कि ये T20 वर्ल्ड कप 2000 अगला कब होगा, तो 2023 में होगा, याद रखना, 20 में अभी हुआ, 23 में होगा साउथ अफ्रीका में, और ये वाला पूछ ले वनडे वाला, तो ये 2022 में होगा न्यूजीलैंड में, तो ये भी याद करके जाने हैं। फोसाइल एज किससे पता करते हैं? तो कार्बन 14 से पता करते हैं, जो एज होते हैं पुरानी चीज़ों के, उनका एज हम कैसे, एज उनकी जो आयु होती है कैसे गणना करते हैं, तो C14। पेड़ों की आयु आपसे पूछेगा, तो वलयों को गिन करके, जो उनके छल्ले होते हैं उनको गिन करके हम पता कर सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हवा महल पूछ रहा है, टूरिस्ट प्लेस आ गया आपका, तो जयपुर। गदर पार्टी आपसे पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में,
कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल, मोहन सिंह, कई सारे लोगों ने मिलकर की थी। तो मेन आपको लाला हरदयाल का नाम याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। ठीक, बनियान ट्री, जो हमारा नेशनल ट्री है बनियान ट्री, उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया। तो ऐसे साइंटिफिक नेम भी आपको याद करके जाने हैं, खासकर अपने नेशनल चीज़ों का, जैसे आम हो गया, कमल का फूल हो गया, तो इन सब चीज़ों के नेशनल और साइंटिफिक नेम आपको याद करके जाने हैं। ठीक, ओलंपिक 2020 वाज हेल्ड इन, तो ये तो आपको पता है 2020 का ओलंपिक हुआ ही नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ होने का शिफ्ट हुआ था, या पूछा जाएगा कि कब होगा, तो 2021 में होगा। कहाँ पे होगा? जापान में होगा, टोक्यो में। ठीक, मणिपुर का देखिए, साउथ नॉर्थ ईस्ट का फिर से पूछ लिया एक बार। मणिपुर का पूछ लिया कि कहाँ पे होगा, कैपिटल कहाँ है मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल है आपका इम्फाल। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सातों जो सेवन सिस्टर्स हैं उनके नाम आपको याद करके जाना है, उनकी कैपिटल पक्का याद करके जाना है। गवर्नर की बात करें मणिपुर की, तो नजमा हेपतुल्ला है, और अगर सीएम की बात करेंगे तो एन बीरेन सिंह। तो ये दोनों क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा। मैक्सिमम लिटरेसी रेट यानी सेंसस से पूछ लिया, जनगणना से, तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट जो है वो केरला में है। अगर मिनिमम की बात करें, लीस्ट, सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता दर, तो बिहार में। इसके अलावा आपसे सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जनसंख्या घनत्व हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, जेंडर रेशियो हो गया, तो ये सारा कुछ आपको याद करके जाना है, देख के जाना है। ठीक, मिस इंडिया ये अवार्ड या विनर का हो गया, मिस इंडिया फेमिना, मिस इंडिया 2019 सुमन राव, ये भी पूछता है कि सुमन राव किस स्टेट के हैं, राजस्थान के हैं, ये याद करके जाना है। एवरी चाइल्ड मैटर बुक का पूछ लिया, बुक एंड ऑथर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बुक एंड ऑथर्स के नाम आपसे पूछेगा। तो कैलाश सत्यार्थी इसके राइटर हैं, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पूछ सकता है किस लिए दिया गया था, तो पीस में दिया गया था, सोशल वर्क में, इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी काम किया। इसके अलावा मलाला यूसुफ जई को उन्हीं के साथ में दिया गया था, मलाला यूसुफ जई पाकिस्तान की हैं और सबसे कम उम्र की पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट फोर्ट पूछ रहा है कि ब्रिटिश का कहाँ पे बनाया गया था, तो जो पहला फोर्ट था वो बनाया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब एक चीज़ याद रखना, फैक्ट्री और फोर्ट में अंतर होता है, फोर्ट पूछ रहा है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था चेन्नई में, तो ये आपको याद रखना है कि बनाया गया था 1644 में चेन्नई में, मद्रास तब नाम था, तो मद्रास में बनाया गया था। मंगलयान कब लॉन्च किया गया या किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में ये सक्सेसफुल हुआ था। तो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है भारत जो पहले ही कोशिश में मंगल तक पहुंच सका है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, पूछा है ओजोन होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। उसके बाद ओपन का पूछा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी ग्रैंड स्लैम की, ये क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 2020 में जो भी हुए थे, तो 19 का पूछा है, वैसे 19 और 20 दोनों का याद करके जाना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का पूछा है, तो नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन का पूछेगा तो डोमिनिक थीम हैं, यूएस ओपन के विजेता डोमिनिक थीम। फ्रेंच ओपन के राफेल नडाल, तो फ्रेंच ओपन तो के हमेशा ज़्यादातर बार राफेल नडाल ने ही जीता है, सबसे ज़्यादा बार फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल ही हैं। विम्बलडन की बात करें तो विम्बलडन हुआ ही नहीं था इस बार, विम्बलडन ओपन इस बार हुआ ही नहीं। इसके अलावा वुमेन में बात करें तो फ्रेंच में जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसकी विनर है ईगा स्वैस्तिक, यूएस ओपन की विनर है नाओमी ओसाका, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर है सोफिया केनिंग। तो ये आप एक बार देख लेना, विम्बलडन नहीं हुआ था इस बार 2020 में कोरोना की वजह से, बाकी तीन हुए थे, तो इनके विनर के नाम आपको याद रख के जाने हैं, पक्का आएगा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की, तो क्रिस्कोग्राफ जो है क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था। ये किसका पता करता है, ये क्या पता करता है, पौधों में जीवन, क्रिस्कोग्राफ से हम पौधों के जीवन की गणना करते हैं, पौधों का जीवन पता करते हैं। ठीक, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये तो आपको पता ही चल गया, गुजरात है। यूनिट ऑफ लेंस पावर का यूनिट पूछेगा, इकाई क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, ये याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी आपको पता है किस क्रिकेटर को दिया गया, पूछ लेगा तो रोहित शर्मा। फोर्स का यूनिट पूछा है तो न्यूटन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट हुआ, 2015 में, अभी मैंने आपको बताया योजना पूछ रहा है। एटमोलॉजी किसकी स्टडी से रिलेटेड है, पहला ही क्वेश्चन आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये हम पढ़ते हैं एटमोलॉजी में। ताजमहल कब बनाया गया था, 1632 में।
आपको पता है शाहजहां ने बनवाया था, कहाँ पे है? आगरा में। और किसकी याद में बनवाया था? मुमताज महल की याद में। तो ये याद रखना है। नोबेल प्राइज इज गिवन इन हाउ मेनी फील्ड? तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कितने फील्ड में दिया जाता है? तो 6 फील्ड में दिया जाता है। इस बार के सारे विनर के नाम आपको याद करके जाने हैं, ये आपको करना पड़ेगा चाहे जैसे करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, हर फील्ड का पूछेगा, और पूछा भी है। अभी इकोनॉमिक फील्ड का क्वेश्चन पूछ लिया था, किसको दिया गया था? पॉल पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो कब स्टार्ट हुआ था? 1901 में, 1901 में स्टार्ट हुआ था, और ये 6 फील्ड में दिया जाता है, याद रखना है। फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर पीस और इकोनॉमी, इन 6 फील्ड में दिया जाता है, याद रखना है। इकोनॉमी बाद में दिया जाना स्टार्ट हुआ था, और 5 के पहले दिए जाते थे। 5 फील्ड में शुरू से दिए जाते हैं, और लास्ट में इकोनॉमी का लास्ट में दिया जाता है। ठीक,